बिलाल भाई उमान छोड़ गए, बिलाल भाई उमान छोड़ने की वजह, ना 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 भाई, बिलाल भाई उमान नहीं छोड़ सकते, उमान इज लाइक होम फॉर मी। उमान कैसे छोड़ सकते हैं भाई, घूम फिर के पूरी दुनिया में वापस इधर ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगले 15 से 20 साल इस कदर ज्यादा पोटेंशियल है कि दुनिया में किसी मुल्क में वो पोटेंशियल नहीं है बिजनेस की। क्यों? वैसे तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता रहा हूँ, पिछले 1.5 से 2 साल से अगर आप मेरी वीडियो उठा के देखें, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के तहत कि भाई उमान इज द कंट्री टू वर्क एंड लिव। लेकिन अब मेरी बातों को जो यहाँ की मिनिस्ट्री है और यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जो कि प्रिंट आउट देना शुरू कर दिए, अपनी मीडिया पे रिपोर्ट्स देना शुरू कर दिए, खबरें देना शुरू कर दिए, वो सदाकत अब नजर भी आने लग गई है। क्यों? देखो भाई, सुल्तान हैथम का जो एक डिजिटल सिटी मुतारिफ कराया गया है, उसकी न्यूज चल रही है, उसके चर्चे चल रहे हैं, मतलब कई मिलियन स्क्वायर फीट पे वो जगह बनेगी, 4 फेजेस में वो सिटी बनेगा, 4 फेजेस में, और 2040 तक उसका मामला चलेगा। फर्स्ट फेज उसका स्टार्ट हो रहा है अभी, और फर्स्ट फेज के बाद उसका फिर सेकंड फेज बनेगा 2028 से 2033 तक, फिर 2033 से लेके 2040 तक उसका थर्ड और फोर्थ फेज जो है वो चलेगा। 1 लाख लोगों को अकोमोडेट करेंगे, 1 लाख लोगों को। अब इससे क्या होता है, अब नॉर्मल लोग सोच रहे होंगे यार इधर ऑलरेडी आबादी कम है तो इतनी सारी जगह बनाएंगे क्या करेंगे, तो बस ना भाई ना ना ना, ये जो मुल्क है ये समझ लो कि सब कुछ यहाँ पर होना है। और इन लोगों की अच्छी बात क्या है, सल्तनत ओमान की अच्छी बात क्या है, यहाँ के लोगों की, यहाँ की बादशाहत की, कि इन्होंने अपने चीजों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, इन्होंने अपनी चीजों को संभाल के रखा हुआ है। देखो न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क पूरा फैला हुआ है, उसके मुकाबले में लंदन प्रिजर्व है, वही पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, छोटी छोटी हाई राइज इतना नहीं है। तो ये जो अभी आप देख रहे हो सल्तनत ओमान, इस ओमान को डेवलप होना है पूरा भाई, पूरा बनना है, लोगों ने बाहर से आना है, इन्वेस्टमेंट ओपन होनी है, जो 1 लाख बंदे की कैपेसिटी बनाई जा रही है यहाँ पर, वो इसी चीज को देखकर बनाई जा रही है कि फ्यूचर में लोग यहाँ पर आएंगे, अपने कारोबार करेंगे, कारोबार को इजी करना है लोगों के लिए। अब बड़ी तादाद में ऑलरेडी पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये मजीद खोलेंगे, मजीद अच्छा करेंगे बिजनेस के लिए। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन किंग है, अगर आप कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठकर पैसा बना रहे हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मैकेनिकल, आपको पता है कंस्ट्रक्शन जिस मुल्क में होती है उसमें सब कुछ काम खुल जाता है, सब कुछ काम खुल जाता है। और सिर्फ सुल्तान हैथम बिन तारिक सिटी नहीं, इसके अलावा मेरे भाई मेट्रो जो है, जो बॉशर से मिलाया गया अमारात को, उसका प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया गया है। उसके बाद जो ट्रेन का प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, जो स्वार से जाएगी दुबई तक, उसका भी प्रोजेक्ट ऑलरेडी हुआ है। तो भाईजान ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन ओमान। आओ ओमान में, आओ अपने कदम जमाओ, इंशाल्लाह आफ्टर 5 इयर्स यू विल बी किंग, लाइक बिजनेस किंग बन के, टाइफून बन के बैठे हो गए। जैसे आप दुबई में देखते हो गए ना, अभी बहुत सारे लोग जो पुराने सही वक्तों पे आ गए थे, अभी अरबों अरबोंपति हो गए। तो अगर आपने वो बनना है तो ये बेस्ट टाइम है इधर आने का, ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम आओ, अपने कदम जमाओ यहाँ पे, अपने कारोबार स्टेबल करो, और सुकून से अपनी आने वाली नस्लों को बिठा के खिलाओ। तो भाईजान मेरा काम है आप लोगों को बताना, बाकी हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, अपने बंदे का, हर बंदे का अपना एक हिसाब किताब होता है। बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन ओमान, कम ओमान राइट नाउ, अपनी अपनी कंपनी बनवाओ। नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस नंबर पे रब्ता करो, आपकी कंपनी बनेगी इंशाल्लाह, 100% आप मालिक होगे, कोई बीच के अंदर स्पॉन्सर नहीं चाहिए, सरकार आपकी कफील होगी, आपको सरकार से डायरेक्ट डीलिंग होगी आपकी सारी की सारी, और आपका वीजा और आपकी कंपनी समझ लो 2 वीक्स के अंदर अंदर आप ओमान पहुंच जाओगे अपनी वीजा और अपनी कंपनी समेत। नंबर पे रब्ता करो, हेडेक फ्री है सब कुछ इंशाल्लाह, आपका काम यू हो जाएगा। आप ओमान आओ, अपनी कंपनी बनाओ, जो टेंडर अभी नए फ्लोट होने वाले हैं, जो बिजनेस अभी नए ग्रो होने वाले हैं यहाँ पर, जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है उनको ग्रैब करना शुरू करो। भाई को तो दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।